नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पूड़े, और पूड़े जो है खीर के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। सावन महीना चल रहा है, इसमें खीर पूड़े खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। सभी ये त्योहारों में, जैसे कि सावन महीने में खीर पूड़े बनते ही हैं सभी के घर में, और खीर पूड़े खाना सभी को पसंद है। और ये खीर पूड़े हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी बनने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बना रहे हैं। पूड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो बॉल में आटा ले लिया है। मेजरिंग कप्स या बॉल से, किसी भी बॉल से आप नाप ले सकते हैं। मैंने दो बॉल आटा लिया है, नॉर्मल जो रोटी के लिए लेते हैं उससे पूड़े बनाएंगे बहुत अच्छे बनते हैं। साथ में गुड़ ले लिया है, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बॉल गुड़ डालेंगे इसके अंदर, दो बॉल आटे के अंदर हम एक बॉल गुड़ की डालेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे हम कैसे कर रहे हैं। एक चाय वाले पैन के अंदर मैंने डेढ़ बॉल के करीब पानी डाल दिया है और पानी को गर्म कर लिया है। पानी मैंने गर्म अच्छे से कर लिया ताकि जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए, जल्दी से पानी गर्म पानी के अंदर घुल जाए। जो जब हम गुड़ को गर्म पानी में डालते हैं तो बहुत ही जल्दी घुल जाता है। पानी के अंदर जो गुड़ डाल देंगे अच्छे से और मिक्स कर देंगे, और जब तक ये बढ़िया से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको घोलेंगे। एक दो मिनट में ये गुड़ अच्छे से घुल जाएगा। गुड़ हमने घोल कर तैयार कर लिया है। चलिए अगला बैटर बनाना शुरू कर लेते हैं। बॉल ले ली है मिक्सिंग, उसके अंदर डालेंगे जो हमने आटा लिया था दो बॉल, वो डाल दिया है आटा, और सौंफ डालेंगे। मीठी सौंफ मैंने साबुत ही डाली है। अगर आपको साबुत नहीं पसंद है तो आप हल्का दरदरा सा इसको कूट लीजिए, वो डाल दीजिए। इसका फ्लेवर जो है पूड़ों के अंदर बहुत अच्छा आता है। और मैंने साबुत एक चम्मच सौंफ डाल दी है, और जो हमने गुड़ मेल्ट करके रखा था देखिए, और इस तरीके से गुड़ जो है पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से घुल चुका है। और ये पानी जो है हम इस बैटर, इस जो आटा है उसके अंदर डालेंगे। पहले थोड़ा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालकर हमने मिक्स कर दिया है, बाकी का बचा हुआ पानी भी हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें और पानी लगेगा, इसी पानी से नहीं काम चलेगा क्योंकि हमें थोड़ा इसको पतला रखना है। और पानी डालकर पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। जो पानी हम यूज़ करेंगे मैं पहले बता देती हूँ, मैंने पहले शायद बताया नहीं है, क्योंकि ये पानी जो हो हम गुड़ वाला पानी है उसको ठंडा करके ही यूज़ करेंगे। गर्म पानी हम आटे के अंदर नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। पानी को ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम आटे के अंदर डालेंगे। मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी और अच्छे से मिला रही हूँ। जब तक मिक्स करना है, जब तक कि ये बहुत ही अच्छे से जो आटा है अच्छा स्मूथ सा ना हो जाए, बहुत ही बढ़िया सा बैटर ना हो जाए, बहुत ही अच्छे से इसको फेंटना है। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से स्मूथ कर लेना है। देखिए ये बैटर बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डाल देंगे, जो पहले गुड़ वाला डाला था उसके बाद हम और नॉर्मल पानी इसके अंदर डाल रहे हैं, और फिर से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिलाना है, और मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कैसी चाहिए हमें। ज़्यादा ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा गाढ़ा हो, इस तरीके का स्मूथ सा बैटर चाहिए। हमने पानी एक्स्ट्रा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार है। चलिए अब हम पूड़े बनाकर तैयार करते हैं, चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, और तवा जो है अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कुछ बूंदे तेल डालेंगे, अच्छे से फैला देंगे। और ये मैंने नॉर्मल तवा लिया है, जिससे हम रोटी जैसे बनाते हैं वही तवा है, हम उसी का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी पूड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर आप इस तरीके से अगर बनाते हैं। तवे को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, अच्छे से फैला दीजिए, और तवा हमारा अच्छा गर्म है। और इसके ऊपर बैटर डालेंगे, एक कड़छी भरकर हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। और ये मैंने जो बनाया है इसको फैलाने के लिए मैंने दूध का जो डिब्बा होता है उसको मैंने अच्छे से काटने के बाद इसको फोल्ड करके लिया है, ताकि हम पूड़ों को अच्छे से फैला दें। और नॉर्मली तो जब पहले पूड़े बनाते थे तो हम किसी भी पत्ते से या मोटे पत्ते से फैलाते थे, इस तरीके से आप पूड़ों को फैला सकते हैं। अच्छे से फैलाना है और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। बैटर को अच्छे से फैलाने के बाद नीचे से अच्छे से सिकने देंगे। देखिए नीचे से ये अच्छे से हो चुका है, और इसको हम पलटे की मदद से पलट देंगे
पलट दिया, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर नीचे लगा देंगे ताकि बहुत ही बढ़िया से हो जाएं ये, और बहुत ही बढ़िया अच्छे बनते हैं ये। जितना गुड़ मैंने डाला है उसी हिसाब से डालेंगे तो आपके पूड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे। एक ओर से सिक चुके हैं, दूसरी ओर से सिकने देंगे। ऑयल मैंने ऊपर से डाल दिया है, दूसरी ओर से भी दिखा देती हूँ कितने बढ़िया बने हैं। पलट दिया है, कितना अच्छा सिककर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। पूड़ा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, बाकी के पूड़े भी हम इसी तरीके से सेकेंगे। दोनों ओर से बढ़िया से सेकने के बाद बहुत अच्छे पूड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से सारे पूड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। पूड़े जो है मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, खीर के साथ ही ये पूड़े हैं जो अच्छे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया पूड़े बनकर तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको भी बढ़िया लगेगी। सावन महीने में तो ये बहुत ही अच्छी है, बारिश हो रही हो तो पूड़े खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।